थर्ड स्ट्रेन आने से पहले अब अपने बच्चों की ऐसी हैबिट डेवलप कर ले जो बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाए। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों का ऐसे करेंगे अब बच्चों का अब ज्यादा ख्याल रखना होगा। ऑब्वियसली सारे पेरेंट्स सारे माता पिता अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं और उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो अब उनके ये हैबिट्स डेवलप करने में उनकी हेल्प करें। पहले खुद में चेंजेस लाने होंगे क्योंकि बच्चे पेरेंट्स को ही देखकर सीखते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी कुछ आदतें जो बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करेंगी। पहला है नींद। नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए, बच्चों के ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है और ऑब्वियसली पूरा हमारा शरीर तभी अच्छे से काम करता है जब नींद बहुत अच्छे से हो। लेट नाइट जगना नहीं होना चाहिए क्योंकि पेरेंट्स जगेंगे तो बच्चे भी जगते हैं कई बार। टाइम पर सोएं बच्चे, जल्दी रात में जल्दी भी खाना खाएं और टाइम पर सोएं। दूसरा है एक्सरसाइज। बच्चे आउटडोर गेम खेलते हैं तो उनकी बहुत एक्सरसाइज हो जाती है, इतनी दौड़ भाग स्कूल आना जाना, बट अभी कोविड की वजह से वो कुछ आउटडोर गेम नहीं खेल पाते। तो अब क्या कर सकते हैं, हम घर में एक्सरसाइज करें, बड़े खुद जल्दी उठे और एक्सरसाइज करें तो बच्चे भी देखकर उन्हें फॉलो करेंगे। उन्हें अपने साथ एक्सरसाइज करवाएं धीरे धीरे, डे वन को थोड़ा सा करेंगे मन नहीं होगा, सेकेंड डे थोड़ा और, ऐसे कर करके वो सीख जाएंगे। सन बाथ, जब बाहर खेलते हैं स्कूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं सन के एक्सपोजर में आ जाते हैं, बट अभी घर पे बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल से ही धूप मिल पाती है, तो कोशिश करें बालकनी से या छत से धूप लें। चौथा है डाइट। संतुलित आहार होना चाहिए। डाइट में मेनली शामिल हो जाते हैं हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन। बच्चों को मॉर्निंग में ड्राई फ्रूट्स दें, सीजनल फ्रूट एकदम खिलाएं, सीट्रस फ्रूट और जो बेरीज होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। उन्हें भरपूर मात्रा में विटामिन्स और प्रोटीन की ज़रूरत होती है, बढ़ते बच्चे होते हैं तो कैल्शियम भी ज़रूरी होती है। और इसके बाद फाइबर, फाइबर उनको होल ग्रेन से मिल जाता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल से भी मिल जाता है। हाँ, अब आप कहेंगे कि बच्चा भाई पूरा खाना खाता है नहीं, वो लोग नानुकूर करते हैं, थोड़ा हेल्दी डिश देके वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे, सैलेड नहीं खाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, अब हर बच्चों की अलग चॉइस होती है, अलग टेस्ट होता है, हर किसी का एक अलग टेस्ट होता है, तो बच्चों को जैसा पसंद है, कुछ बच्चों को मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को चटपटा, किसी को स्टीम और सिंपल सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो आपके बच्चों को जैसा अच्छा लगता है आप उसे वो डिश प्रिपेयर करके खिलाएं। जैसे कि एग्जांपल पालक, पालक बच्चों को ऐसे नहीं पसंद आएगा उसका साग खाना, तो बच्चों को की दाल खिला सकते हैं, पालक के कटलेट खिला सकते हैं, ऐसे ही गाजर की कटलेट हो सकती है, मेथी का साग नहीं खाएंगे तो मेथी के पराठे खिला सकते हैं, लौकी और मूली के पराठे होते हैं, फ्रूट्स ऐसे डायरेक्ट नहीं खा रहे हैं तो फ्रूट सैलेड बनाकर खिला दीजिए, स्प्राउट्स नहीं खाएंगे तो स्प्राउट चाट बनाकर खिलाइए। तो बच्चे कुछ नया देखते हैं, अट्रैक्टिव देखते हैं तो ज़रूर ट्राई करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं खुद फॉलो करती हूँ अपने बच्चों के लिए। सिंपल से चार हैबिट्स है जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया। पहला बताया था कि नींद, भरपूर नींद होनी चाहिए और समय पर सोएं। एक्सरसाइज, घर पे ही व्यायाम, योग, प्राणायाम, जो अच्छा लगे, सूर्य नमस्कार बच्चे बहुत अच्छे से कर लेते हैं वो करें। थर्ड, रोज सन बाथ लें 10 से 20 मिनट तक के। फोर्थ, डाइट। डाइट में सारी चीज़ें शामिल करें, अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन सभी शामिल करें। ये आदतें अपनाएं और अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।